क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर ना, ठीक है, और एंड ए पी डी और बी पी सी आर सेमी सर्कल, ये कह रहे फाइंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखें, तो ए पी बी, ए पी डी और बी पी सी आर सेमी सर्कल, जब सेमी सर्कल है तो ये बी सी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना, और ए पी ए डी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल, सेमी सर्किल है, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल बी पी सी, बी पी सी, बी पी सी का डायमीटर कितना होगा, बी सी होगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, टू आर स्कूल क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसलिए आर स्कूल क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आप हो जाएगा। अब कैसे डायमीटर आपको सेमी सर्किल, डायमीटर आप सेमी सर्किल, डायमीटर आप सेमी सर्किल, डायमीटर आप सेमी सर्किल एपीडी, सेमी सर्किल एपीडी का डायमीटर क्या होगा, टू आर इक्वल टू 14, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2, इसलिए आर डैश क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन के लिए क्या होगी, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस कर देते हैं 2 सेमी सर्किल, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्किल है, क्योंकि दोनों सर्कल सर्कल ऑफ सेमी सर्किल, क्योंकि दोनों सर्किल एक ही साइज है, सेमी सर्किल एक ही साइज है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये 14 स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई, पाई कर दिया है, तो 22/7 होते, क्योंकि 14 कट जाएगा 7 से ना, इसलिए 22/7 लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ 14, तो 14 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा 1 - 22/7, ठीक है, ठीक है, तो ये तो छोटा हो गया, ये 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर ना, है 7 स्क्वायर माइनस 4 तो क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 196 माइनस 22/7 इंटू 49 7177 ना, 196 माइनस 14 और 5 हो जाएगा 2 और 4 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, देख क्या देने, अच्छा 42 चलिए काफी।